हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनाली। वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। दोस्तों, विंटर का सीजन है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ड्राई स्किन का रहता है, ड्राई लिप्स, ड्राई स्किन, फेस अपना ड्राई हो जाता है, स्किन निकलने लगती है, और ऐसे टाइम में बहुत सारे मॉइस्चराइजर काम नहीं आते हैं, तो हमें मास्क की ज़रूरत रहती है। तो आज मैं आपके साथ में एक बेस्ट हाइड्रेटिंग मास्क का वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी स्किन को एकदम सॉफ्ट और सप्पल कैसे रख सकते हैं विंटर सीजन में भी। जी हाँ, तो देखते हैं इसके लिए अपने को कौन से इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं। इसके लिए आपको लगेगा अवोकेडो। ये अवोकेडो मास्क ही है। अवोकेडो दुनिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन ई का सोर्स पाया जाता है। इसमें ये ऐसा फल है जो सबसे ज़्यादा विटामिन ई देता है, और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं जो आपके स्किन के लिए बेस्ट रहते हैं। ये वैसे इंडिया में थोड़ा कम पाया जाता है, पर आप अगर अच्छे से मार्केट में सर्च करो तो आपको ये मिल जाएगा। हम इसे अपने मास्क में यूज़ करेंगे, और यूज़ करेंगे हनी। इसे हम छीन लेते हैं। पहले काटने के बाद में आपको ये ऐसे दिखेगा। हमें इसका जो गूदा है वो लेना है। ये बी इसकी काफ़ी कड़क रहती है। इसका गूदा जो है ये पूरी तरीके से फैट्स रहते हैं, विटामिन ई के फैट्स, तो यही हमें लेना है मास्क के लिए। हमने इसके ये स्लाइसेस निकाल दिए। अब हम इसको अच्छे से पहले मैश कर लेते हैं। ये एकदम सॉफ्ट रहता है तो ये एकदम जल्दी से मैश हो जाता है। इसको मैश करने के बाद में इसका जो ये पूरा पल्प है ये ऐसे तैयार हो जाता है, और इसमें हमें ऐड करना है हनी। जी हाँ, थोड़ा सा हनी हम ऐड कर देंगे, ऑलमोस्ट 4 से 5 बूंद, बस इतना काफ़ी है। इसमें आप ककड़ी का जूस भी डाल सकते हो अगर आपको फेयरनेस ज़्यादा चाहिए तो, पर विंटर के लिए हनी प्लस अवोकेडो का मास्क सबसे ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग देने का काम करता है। तो अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा पैक बन के रेडी है। इस पैक को आपको दिन में एक बार भी लगाएंगे, या फिर मतलब आप हफ्ते में अगर 3 बार भी इसे लगाते हैं तो भी आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज दिखेगी, और ड्राइनेस जो है स्किन की वो निकलते जाएगी। मैं इसे अपने हाथ पे अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। इसको आपको आधा घंटा रखना है। अगर ये ड्राई हो जाए तो इसको निकाल दीजिए। इसको पूरा सूखने तक के रखना है आपको। देखिए, हमने इसको ऐसे हाथ पे लगा लिया है मास्क की तरह। इसको आप ऐसे ही फेस पे लगाना है। मैं आपको बोल रही हूँ, लगाते ही आपको इसकी सॉफ्टनेस का एहसास होने लग जाता है। इतना आपको सॉफ्टनेस देता है, लगाते ही आपको ऐसे मुलायम लगने लगेगा, और इससे बहुत ही ज़्यादा ऐसे ऑयलिश स्किन दिखती है। ये ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट रहता है। ऑयली स्किन वाले इसे ना लगाए तो ही बेहतर है। जिनकी ड्राई स्किन है इनके लिए ये बेस्ट मास्क रहता है। इसको हम आधा घंटा ऐसे ही रखने के बाद, सूखने के बाद में नॉर्मल पानी से धो लेंगे, और आपको तुरंत फर्क दिखेगा। तो आधे के घंटे के बाद में हम इसे धोते हैं। आधे घंटे के बाद में मैंने इस पैक को निकाल दिया है, और आप अभी के अभी देख सकते हैं कि मेरे हाथ में कितनी ज़्यादा शाइन आ गई है। तो अवोकेडो जो रहता है वो विटामिन ई अपने स्किन में ऐसे तरीके से ऑब्जॉर्व करवाता है कि हमारे स्किन में ऐसे ऑयलीनेस और शाइनीनेस आती है, जिससे हमारी स्किन एकदम सॉफ्ट लगती है और मॉइस्चराइज लगती है। तो दोस्तों, ये था अवोकेडो मास्क। आप ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको कैसे लगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय।